मैं मिस्टर लाना जबकि फिर एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क अगर ब्लॉक हो गई है और हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो पा रहा तो उसे कैसे करेंगे, यानी नो डिटेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क, उसको आपको डिटेक्ट कैसे कराना। आपकी हार्ड डिस्क अगर सही है फिर भी डिटेक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या होता है, हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ जाती है और बैड सेक्टर्स आ जाते हैं या फिर MBR में प्रॉब्लम आ जाती है, इसके वजह से आपकी हार्ड डिस्क जो है ब्लॉकेज हो जाती है। और ब्लॉक होने के रीजन में आपका डिस्प्ले पे लिखा होता है हार्ड डिस्क नॉट डिटेक्टेड या हार्ड डिस्क नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे इसको मैं आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलते हैं अपने टास्क की तरफ और देखते हैं कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के पास और हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारा लिख रहा है रिबूट सिलेक्ट बूट डिवाइस, यानी दोस्तों जो हमारा बूट डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लग रहा है वो हार्ड डिस्क हमारा प्रॉपर अटैच नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए आप आते हैं हम अपने सिस्टम के पास, हम अपने सिस्टम के पास आएंगे और दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है हमारी हार्ड डिस्क से है। देखेंगे यहाँ डिस्प्ले पे भी और यहाँ पे प्रॉब्लम भी देखेंगे कि हार्ड डिस्क से ही प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, आप अपने सिस्टम को बंद कर देंगे। जैसे हमने पावर निकाल दिया, सिस्टम हमारा बंद हो गया है। अब हम सिंपली हार्ड डिस्क पे आते हैं, हार्ड डिस्क के केबल आप निकालिए। केबल निकालने के बाद आईडी केबल जो है साटा केबल जो भी लग रहा होगा आपके हार्ड डिस्क में उसे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद दोस्तों सिंपली आपको अपना हार्ड डिस्क को ओपन कर लेना है। देखेंगे मैं ओपन कर रहा हूँ, हार्ड डिस्क निकाल रहा हूँ और हार्ड डिस्क हमारा निकल गया है, प्रॉपर हमारा हार्ड डिस्क निकल गया है। अब इसमें देखेंगे दोस्तों सिंपली कि ये हार्ड डिस्क में जो ये होता है ये आईडी केबल के लिए है और ये जो हमारी स्लॉट है दोस्तों इसी को रिमूव करना है। एक्चुअली क्या है, कभी कभी ये ब्लॉकेज हो जाते हैं तो बोर्ड जो है हमारे हार्ड डिस्क को रीड नहीं कर पाता, इसलिए सबसे पहले हम इस ब्लॉकेज को हटाएंगे। इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए सिंपली आपको ट्वीज़र लेना है और इस ब्लॉकेज को ओपन करना है और इस जंपर को बाहर निकालना है। इस जंपर को बाहर निकाल के दूसरे में लगाना है थोड़ी देर के लिए और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लगा देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें भी चेक कर सकते हैं दूसरे सीरीज में, या फिर जो पहले ऑलरेडी पहले जिसमें था उसमें भी लगा के चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं पहले वाले से निकाल के दूसरे में डाल के चेक कर लेता हूँ कि मेरी हार्ड डिस्क रीड हो रही है कि नहीं। और उसके बाद दोस्तों ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि जब हार्ड डिस्क आप रिपेयर करना चलो, यानी बूट जो आपका सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो उस टाइम दोस्तों सीमॉस सेल जो होता है हमारे बोर्ड में, देखेंगे यहाँ पे सीमॉस सेल है बोर्ड में, इस सीमॉस सेल को दोस्तों निकालेंगे हम सिंपली। आप यहाँ पे पुट करेंगे थोड़ा सा तो ये निकल जाएगा बाहर। एक्चुअली क्या होता है, ये डेट एंड टाइम अपडेट करने के लिए होता है, सिस्टम में जो भी वोल्टेज करंट होता है ये अपडेट करता है। तो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी ब्लॉकेज आते हैं तो इसके वजह से भी ब्लॉकेज आ जाते हैं। इस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए सिंपली आपको ट्वीज़र लेना है हाथ में और आप हाथ में ट्वीज़र लेंगे और सिंपली आपको क्या करना है, जो सीमॉस सेल है दोस्तों उस सीमॉस सेल के प्लस और माइनस को आप 10 सेकंड तक काउंट करके आप उसको टच किए रहें, यानी कि आप शॉर्ट कर दें 10 सेकंड तक। देखेंगे दोस्तों 10 सेकंड तक हो गया होगा मेरा, मैंने इस पर शॉर्ट कर दिया है। और सिंपली आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो मल्टीमीटर को आपको DC 20 वोल्ट पे सेलेक्ट कर लेते हैं और करने के बाद सिंपली हम इसको प्लस माइनस को चेक कर लेते हैं। देखेंगे दोस्तों यहाँ हमारा वैल्यू आ रहा है 3.15, यानी कि हमारा सीमॉस जो है ओके है। फिर से सीमॉस को पुट कर देते हैं, सिंपली आप ऐसे लगाएंगे और उसके बाद आपको दबा देना है नीचे, दोस्तों ये पुट हो जाएगा। देखेंगे हमने इसे लगा दिया है, अब हम अपनी हार्ड डिस्क को लगाते हैं एक बार और हार्ड डिस्क लगा करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारा हार्ड डिस्क हमारा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं और रीड हो पा रहा है कि नहीं। तो हमने पुट कर दिया है और मैं हार्ड डिस्क को ऊपर ही रखता हूँ, चेक करना है अभी हमें। और सिंपली हम आते हैं अपनी कंप्यूटर पे, पावर केबल को दोस्तों हमें सिंपली यहाँ पे पुट कर देना है, फिर से कनेक्ट कर देना है और उसके बाद दोस्तों पावर ऑन स्विच को दबा देना है। देखेंगे दोस्तों कि हमारा सिस्टम जो है वो ऑन हो गया है और अब हम देखते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले पे आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीमॉस सेटिंग रॉन्ग और सीमॉस डेट एंड टाइम नॉट सेट, प्रेस 1 टू रन सेटअप और प्रेस 2 टू लोड डिफॉल्ट। यानी दोस्तों अभी मैंने सीमॉस सेल निकाला हुआ था, जो सीमॉस सेल उसके वजह से ये टोटल चीज़ आता है। दोस्तों हमें सिंपली करना क्या है, प्रेस 1 अगर करेंगे तो आप बायोस में चले जाएंगे सेटअप में, लेकिन मैं बायोस में नहीं जाऊंगा, उसके लिए मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा। मैं सिर्फ आपको F2 दबा करके लोड डिफॉल्ट करता हूं। मैं अपने कीबोर्ड में F2 को दबाऊंगा। देखेंगे दोस्तों ये होता है F2, इसको हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखेंगे कि डिस्प्ले हमारा क्या आ रहा है, अभी भी हमारी हार्ड डिस्क जो है वो रीड नहीं हो पा रही, यानी कि अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हम इसे फिर से देख लेते हैं, चलते हैं अपनी हार्ड डिस्क की तरफ और पावर को बंद करते हैं अपने CPU का और हार्ड डिस्क को फिर से हम चेक करते हैं। आप क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली कि हम जो फर्स्ट वाले में से निकाल के सेकंड में ये जंपर जो लगाए थे, हम सिंपली क्या करेंगे फिर से इसको निकाल करके और हम फर्स्ट में ही लगा देंगे। देखेंगे दोस्तों अब हम फिर से फर्स्ट में लगा देते हैं जो कि पहले से लगा था हमारा, यानी कि ब्लॉकेज हमारा अब क्लियर हो गया होगा और हम इसमें फर्स्ट में लगा दिए हैं दोस्तों, पहले जैसे हमारा था, देख सकते हैं आप इसको। और फिर से हम इसको कनेक्ट करते हैं IDE केबल को और ऑन करते हैं अपने सिस्टम को। अब देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास डिस्प्ले क्या आ रहा है। दोस्तों वेट करेंगे थोड़ा सा और देखेंगे डिस्प्ले हमारा क्या आ रहा है। तो देखेंगे दोस्तों कि डिस्प्ले हमारा ये आ चुका है। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है स्टार्ट विंडो नॉर्मली, यानी कि दोस्तों ब्लॉकेज खत्म हो गया है हमारे हार्ड डिस्क का
और ये सिस्टम हमारा एकदम बढ़िया हो गया। आप सिंपली आप प्रेस एंटर करेंगे अपनी कीबोर्ड में, और एंटर करने के बाद देखेंगे डिस्प्ले पर, डिस्प्ले हमारा ओपन हो रहा है, ओपन हो गया टोटली, यानी कि हमारा जो प्रोसीजर है, हमने जो काम किया पूरा A to Z यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।